हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की पूरी, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और बनाने में भी बहुत आसान। आलू की पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम 4 आलू लेंगे, उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसमें मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला मिला के इसको पीस लेंगे। अब हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, तो अब हम इसको आटे के साथ मिक्स करेंगे। आटे में पानी बिल्कुल नहीं डालना है, हम इसी के साथ आटे को गूंदेंगे। आटे में हमने अजवाइन मिलाया है, थोड़ा सा तेल और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है। तो हम सब इस सब को मिक्स करके हम आटे को गूंद लेंगे। अब हमारा आटा तैयार हो गया है, तो अब हम इसको इसमें तेल लगा के इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब 15 मिनट हो गए हैं, हम एक पैन लेंगे, पैन में तेल रख देंगे गर्म होने के लिए। जब तक तेल गर्म होता है, तब तक हम छोटी छोटी लोइयां बना के पूरियां बेल लेते हैं। पूरी न ज़्यादा मोटी बेलनी है न ज़्यादा पतली। अब हमारा तेल गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें पूरियां डालेंगे। पूरियों को ज़्यादा तेज़ आंच में न तलें, इससे पूरियां अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर बाहर की पक जाएंगी। ये ध्यान रखना है कि हमें पूरियों को लो फ्लेम में ही पकाना है या मीडियम आंच में ही पकाना है।
अब हमारी पूरियां बनके तैयार हो गई हैं। हम इसको अचार, आम की चटनी, दही, रायता किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। धन्यवाद।